क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लस वन पे कॉपर क्यूप्रस होता है, प्लस टू पे क्यूप्रिक होता है। हम ऊपर कर दे रहे हैं जिसमें सभी बच्चों को दिख रहा है ना, जिसके पास जैसी जगह हो वैसे लिख लेना, ठीक है जी। हमने लिख दी बच्चों, इस रिएक्शन को फिर से कर देना है वाटर से, वाटर H2O। अब ध्यान रखना, जब भी आप कभी भी वाटर से रिएक्शन कराओगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या जब भी कभी वाटर निकालोगे एसिड जरूर प्रेजेंस करा देना, तो फिनॉल बन जाता है। बताओ कैसे, फिनॉल का फॉर्मूला किसी को याद तो नहीं है? याद कर लिया तुम लोगों ने? फिनॉल बन जाता है। अगर आप फिर से क्लोरोबेंजीन को पानी में डाल के उबाल दो एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 डाल दो, HCl डाल दो, तो फिनॉल बन जाता है। बताओ हमें यहाँ पर क्या लाना है, OH, तो क्या निकालना पड़ेगा? तो ये वाटर से आप सीधे सीधे भी H2O लिख सकते हो, ऐसे भी H2O लिख सकते हो, ऐसे भी H2O लिख सकते हो, और ऐसे तो इसको लिख दिया हमने। तो बच्चों जे वाला Cl और ये वाला H, मतलब कोई भी वाला H, क्या बन गई? हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं? फिनॉल, फिनॉल। तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल ऑल्सो। ये लो बच्चों, आपका एल्कोहल भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलो एल के, एल्कोहल भी चल रहा है, फिनॉल भी चल रहा है। ऐसे तो होता है, पूरी केमिस्ट्री एक खिचड़ी है जिसमें सब कुछ मिक्स है, इनको अलग कर ही नहीं सकते। जब चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि खिचड़ी का स्वाद कैसा है। अगर बनेगी आपसे तो बहुत अच्छा आने वाला है, आधी बनेगी तो आधा स्वाद आएगा, पूरी बनेगी पूरा बनेगा। हाँ हाँ, ये अब जैसी जगह हो, हमने ऐसे ऊपर लिख दिया कि पीछे तक के बच्चों को दिख जाए, आप ऐसे लिख लो, ऐसे जिसमें सबको दिख जाए, इसलिए हाँ ऐसे ऐसे नीचे से लगा लो, ऐसे 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 लगा लो, ऐसे जितना जगह के हिसाब से कर लो, तो छोटो लगा लो ऐसे। ये तो कर लोगे प्रांजल, ये वाले क्वेश्चन ना पूछा करो, केमिस्ट्री वाले पूछा, इन वाले क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ये आप लोग खुद किया करो ये क्वेश्चन। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन देखो, हम ही स्टूडेंट बन जाते हो, हम ही टीचर जब आपको पढ़ाते हैं, आप लोग तो क्वेश्चन पूछते नहीं हो, तो हम ही अपने मन से पूछते रहते हैं। देखो कुछ बच्चों के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि सर रैशिक प्रोसेस आ जाए तो हम कहाँ तक करें? बच्चों आप कहीं तक कर दो, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि आप हेलो एल्केन और हेलो एरिन में देखोगे तो ये रिएक्शन यहाँ तक दी गई है, आप फिनॉल वाले में देखोगे तो यहाँ तक दी गई है। हाँ सेम नाम से नहीं, सेम मेथड है, यही मेथड है रेस्टिव। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है इस मेथड से, तो आप यहाँ पे रुक जाओ, दूध में शक्कर डाल दो, दूध मीठा हो गया। अब उसकी चाय बनानी है तो चाय पत्ती भी डालो फिर, नहीं तो मीठा दूध पी लो बस खत्म। तो आप फिर यहाँ और डालो तो फिनॉल, आपको जहाँ तक रुकना है आप वहाँ तक रुक सकते हो। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप यहाँ रुक सकते हो, फिनॉल बनाना है तो यहाँ। रैशिक प्रोसेस नाम से लिखी आए तो हम तो सजेस्ट करेंगे आप पूरी करके आओ यहाँ तक। लैंग्वेज लिख ले, ये वाला ये बाई प्रोडक्ट है बेटा, बाई प्रोडक्ट मतलब बगल के नल से निकल गया है, ये डालना पड़ेगा मेन में, मतलब इसको यूज कर सकते हैं हम रीयूज, लेकिन रिएक्शन में ये वाला नहीं डाल रहे, रिएक्शन में अलग से डाल रहे। बच्चों हमें एक लैंग्वेज लिखवा दे रहे, बाकी आप लोग अपनी अपनी लिखोगे, कोई हमारी लैंग्वेज नहीं लिखेगा। चलो वैन, हमने तो वैन पकड़ लो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लाने, तुम लोग एक पकड़ लो जो भी अच्छो लगे। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ मिक्सचर ऑफ HCl एंड O2,
बच्चों जैसे आप लैंग्वेज में लिख रहे हो तो ऑक्सीजन लिख सकते हो O2, वो तो बैलेंस ही के लिए। मान लो एक बच्चे गुस्सा की बोली नहीं हमें ऐसे नहीं लिखने रिएक्शन, तो भैया जैसे लिखने वैसे लिख लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई, जिससे पहले को मल्टीप्लाई करना उस पूरे को मल्टीप्लाई करना, रिएक्शन कभी अनबैलेंस नहीं हो सकती। मान लो कोई कह रहा है फ्रैक्शन हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 2 2 कैंसिल, O2 2 2 एक बैलेंस। तो जैसे ही जिसको करना हो रिएक्शन, ए हो गई रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को आप जितना छोटा जितना बड़ा लिखना चाहते हो, नहीं तो हमने तो लिखवा ही दी है। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद मिक्सचर ऑफ HCl एंड O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 हम टेम्परेचर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 देन बैन और देन, ये तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देन क्लोरोवेंजीन इज फॉर्म्ड, देन क्लोरोवेंजीन इज फॉर्म्ड, क्लोरोवेंजीन बनेगी बच्चों इस मेथड से, और कुछ नहीं बन सकता, रीजन है ना HCl ले रहे हैं ना आप, देन क्लोरोवेंजीन इज फॉर्म्ड। नहीं अभी चल रहा है ना मांग, अभी लैंग्वेज हमने कहाँ एंड करी, तो कहाँ लगाओ फुल स्टॉप। When benzene is treated with mixture of HCl and O2 in presence of CuCl2 cupric chloride, then chlorobenzene is formed. पानी में अगर किसी को घोल दो, पानी में अगर आप किसी को घोल रहे हो और उससे कोई रिएक्शन करा रहे हो तो बोलते हैं हाइड्रेशन, मतलब आप इसका क्या कर रहे हो हाइड्रेशन, नहीं तो सीधे सीधे ले सकते हो बीच ऑन रिएक्शन विथ वाटर, किसकी प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है फिनॉल, विच ऑन रिएक्शन बात नहीं विच इज ऑन रिएक्शन विथ वाटर, विच ऑन रिएक्शन विथ वाटर किसकी प्रेजेंस में एसिड, एच पॉजिटिव लिख दो, एसिड लिख दो या सीधे H2SO4, H2SO4 सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वाटर के साथ, एच पॉजिटिव लिख दो या एसिड लिख दो या H2SO4, विच ऑन रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म्स फिनॉल। अब कोई भी कोशिश नहीं करना इस लैंग्वेज को याद करने की, अपनी लैंग्वेज लिखना है बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप 100% एफर्ट रिएक्शन पे डालो, इस पे कोई नहीं डालना है। मैन बेंजीन ट्रीटेड विद HCl एंड O2 क्लोरोबेंजीन फॉर्म, विच ऑन रिएक्शन विद वाटर फिनॉल इज फॉर्म, मैन HCl एंड O2 ट्रीटेड विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 gives chlorobenzene, which on reaction with water, which on hydration with water in presence of acid form phenol. By rheostatic process we can form chlorobenzene as well as phenol. By the reaction of benzene with first HCl and O2, then water. जैसे जिसको लैंग्वेज लिखनी है वैसे ही लिखो, पूछो जो भी डाउट हो। हाँ डाला है इसमें फिर से अलग से, ए बाई प्रोडक्ट है, मतलब ए अभी प्योर नहीं हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है, तो इसको पहले प्योरीफाई करना पड़ेगा। ये हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला है इसमें प्योर वाला, हो गई तो मेरे अक्सर याद, और पिछली सब याद हो गई, फिर कॉपी खोले रहो। फिर बच्चों आगे चलें, कोई दिक्कत हो तो पूछो। तो आपने यहाँ से क्लोरोबेंजीन बनाने की भी मेथड पढ़ ली, और रेस्टिक्स इस सब मेथड जब फिनॉल में आएगी ना तो तुम ही लोगों को करनी है, हम तो साइड में बैठ जाएंगे। जहाँ पे रिएक्शन रिपीट हुई हम साइड में हो जाएंगे, तुम लोगों में से किसी को बुलाएंगे, चौक पकड़ा देंगे, कहेंगे लगाओ समझाओ और लिखाओ। हो गया
लास्ट प्रिपरेशन मेथड आ रही है हेलो एरिन की, लेकिन उसमें चार रिएक्टर हैं। लिखो, ये हो गई आपकी रेस्ट्रिक्स, कितनी हो गई, चार हो गई हमारी, तीन हो गई ना, मतलब वो तो बहुत गई ऊपर ऊपर की चार, फिर उसके अंदर और हैं, ये तीसरी है अभी, शायद के आई वाली दूसरी थी ना, अच्छा बी डी सी की, ओके ओके, अच्छा ए बी सी डी भी अपन को ध्यान रखना ही है। भाई डायरेक्ट हेलोजनेशन, डायरेक्ट मतलब सीधे ही हेलोजन लिया अभी, भाई डायरेक्ट हेलोजनेशन, हेलोजनेशन मतलब किससे रिएक्शन, हेलोजन से सीधे खुद ही कह रहा हम हेलोजनेशन है, भाई डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। बच्चों ध्यान रखना, जब हम कन्वर्जन करेंगे ना तो सबको अलग अलग तरीके आएंगे, और सबके अलग, सबके सब तरीके सही होंगे, जिसको जहाँ से करना वहाँ से करना, भाई डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, भाई डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, भाई डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, नैन्सी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ नैन्सी, हाँ नहीं कॉपी तो नहीं मंगाई, कौन सी वाली, क्यों तो हमसे पूछा करो ना नंबर, आयरा का इसमें क्या रोल था, हाँ आयरा का कोई रोल नहीं था इसमें, भाई डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, बच्चों पढ़ते समय पूरा यहाँ खोया करो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग बोर ना हो, भाई डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन, बच्चों खुद लिख, लैंग्वेज खुद लिखना इसकी, आप देखो ये बेंजीन ले आओ सीधे 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 सीधे, और बेंजीन पे सीधे सीधे हेलोजन चिपका दो, तो ये कहलाती है डायरेक्ट हेलोजनेशन, है ना, सीधे सीधे हेलोजन, लेकिन बच्चों ये हेलोजन को यहाँ तक ले कौन जाए, ये तो गैस है, उड़ जाएगी, तो फिर बस लगानी पड़ती है, बस हेलोजन कैरियर, कैरियर मतलब जो इसको कैरी करके ले जाएगा, और यहाँ पर जो हेलोजन कैरियर लगाने हैं वो आप या तो लगाइए FeCl3 और लगाइए AlCl3, दो में से कोई भी आप लगा सकते हो, ये लेविस एसिड की तरह काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनके पास, तो इससे बॉन्ड बना लेंगे, इसको चिपका लेंगे, और फिर चिपका के पकड़े रहेंगे, फिर आप बेंजीन डालना तो इससे रिएक्शन कर लेंगे, है ना, तो ये लेविस एसिड है, लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं वो लेविस हेलोजन कैरियर है, कर दो रिएक्शन, अब हम नहीं आते चाहेंगे, सीधे चिपका दें क्या क्लोरीन, नहीं हाइड्रोजन मानेगा ही नहीं, हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, कहीं पे लगा दो, ये तो फुटबॉल है, कहीं लगा दो, यहाँ निकाल दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वो तो यहाँ अच्छा लगता है इसलिए, तो यहाँ से क्या निकलेगा H, और यहाँ से एक तो क्या निकलेगा, और क्या बन जाएगा, इतना ज़्यादा लॉजिक, इतने ज़्यादा लॉजिक की उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बच्चों पर इस रिएक्शन में एक खास बात है, ये रिएक्शन अंधेरे में होती है, क्लोरोबेंजीन, चलो अभी यहाँ नहीं, हम बताएंगे आगे लाइट का काम कहाँ पर, अभी तो आप सिर्फ इतना ही लिखो, क्लोरोबेंजीन लैंग्वेज खुद लिखोगे, अब सब लोग हमें ब्रोमोबेंजीन बना के दिखाओ, उल्टा क्या एग्जाम में भी ऐसे करूँगा, पगला जाए सामने, ये जो काकर का सॉन्ग, अंकित देखो थोड़ा इसको रिएक्शन देखो, ये कैसी है, ऐसे कर रहा है, मतलब ग्रेविटी अपोज कर दी इसमें,
बच्चों जैसे आप BR2 से कर रहे हो तो आप FeCl3 भी ले सकते हो या फिर BR3 भी ले सकते हो। AlBr3 नहीं करना है, Al तो Cl3 ही रहेगा। आप FeCl3 भी ले सकते हो या फिर BR3 भी ले सकते हो, थोड़ा सा बेटर रहेगा कि जान पहचान वाला लो। तो FeBr3 ले लेते हैं हम, ठीक है। जिसने FeCl3 लिख लिया वो काटना नहीं है ना, एक और लिख लेना है FeBr3, सही है वो है फिर, वो तो कैरियर है बस है, चाहे CL3 ले लो चाहे BR3 ले लो, है ना, उसमें गलत नहीं है। लेकिन वैसे हमने पहचान वाली बस लिख दी, जैसे ब्रोमीन आ रहा है तो पहचान वाली बस BR3, AlBr3 नहीं है ना, AlCl3। और भी होते हैं जेई वैसे नहीं, पर हम आपको और कोई ज़रूरत नहीं है, ZnCl2 भी इसमें आप डाल सकते हो। हो गई, अब इस बार क्या निकलेगा और बनेगा क्या बच्चों? आइडोबेंजीन नहीं बनाना है ना ऐसे, आइडोबेंजीन बनती है अलग तरीके से, तो बन तो जाती है, लेकिन आप जानते हो आइडोनेशन में क्या बनेगा, HI तो वो रिवर्सिबल हो जाएगी, है ना, तो वो अभी करेंगे। ब्रोमो बेंजीन नहीं, AlBr से अच्छा कैटर, अच्छा है सेट नहीं, AlCl लिख लिया तो कोई गलत नहीं है, वो भी काम करता है यहाँ पर, FBr, FeCl3, AlBr3, ZnCl2 ये सब काम करते हैं यहाँ पर। चलो जल्दी से अपने मन से लैंग्वेज लिख लो। मैन बेंजीन इज ट्रीटेड बेड क्लोर Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, AlCl3, FeBr3, देन हेलोएरिन्स या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आर कॉन। अपने मन से लिख लो लैंग्वेज जल्दी से, यहाँ नाम जरूर लिख लेना। एक बार आप ये नाम ना लिखो, लैंग्वेज लिखो, हम बिल्कुल नहीं देंगे आगे। ये नाम लिख दो चाहे लैंग्वेज आप अपने मन की, ये नाम जरूर लिखना है रिएक्शन के नीचे, जो बन रहा है जो जिससे बना रहे हो। ऐसे लिख दो, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लैबेज एसिड देन हेलोएनिन्स आर फॉर्मड। लैबेज एसिड नहीं लिखना तो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeBr3, AlCl3 हेलोएनिन्स आर फॉर्म। हेलोएनिन्स नहीं लिखना तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आर फॉर्म। बन रही सबसे लैंग्वेज लिखते, बिल्कुल बिल्कुल। चलो लिखाओ जी, ने तो आपने कौन सी लैंग्वेज लिखी, हाँ रिएक्शन कर रहे थे तो क्या हो गई लैंग्वेज बताओ। ओके, हम भी लिख देते हैं बच्चों, जिसने जो लैंग्वेज लिखी वो लिखे रहने देना, सही है, सब लैंग्वेज सही है। वैसे आप यही लिखना जो हो रहा है, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड, ट्रीटेड नहीं लिखा होगा किसी ने, लिखा होगा रिएक्टेड तो वो भी सही है। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद, किसी ने लिखा होगा Cl2Br2, किसी ने लिखा होगा हेलोजन, किसी ने लिख दिया होगा X2, ऑल आर करेक्ट। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ हेलोजन, या सीधे लिख दो Cl2 और Br2, क्यों, क्योंकि एक बार में या तो क्लोरीन से करोगे या ब्रोमीन से, दोनों से तो करोगे नहीं ना। इन प्रेजेंस ऑफ, एक ने लिखा FeCl3, FeBr3, AlCl3, एक ने सीधे लिख दिया लैबेज एसिड, उन्होंने कहा इतने सारे क्यों लिखे, या एक ने लिख दिया हेलोजन कैरियर, तो वो भी सही है। इन प्रेजेंस ऑफ लैबेज एसिड, कोई भी सराहना नहीं, सब सही लैंग्वेज है ना, ये तो हम लिखा दे रहे हैं आपके लिए, हाँ तो हम भी लिख दिए फॉर्मूला लिख देते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ लैबेज एसिड, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लाइक FeCl3, FeBr3, AlCl3 एक्सेट्रा। बेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2 और Br2, नहीं तो सीधे लिख दो X2 या सीधे लिख दो हेलोजन। इन प्रेजेंस ऑफ लैबेज एसिड लिखा हो जिसने, ठीक है, नहीं लिखा तो सब ये लिखा हुआ है यहाँ पर।
हैलोजन कैरियर, देन हैलोएनिन आर फॉर्म या क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आर फॉर्म, जिसने जो लिखा वो सही है, ठीक है, देन हैलो एरिन्स आर फॉर्म। पूछो जो भी डाउट हो। बन जाएगी, बन जाएगी। तो अभी आएंगे बहुत प्रिपरेशन मेथड आनी है, जिसमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन आएंगी, उसमें हम लैंग्वेज लिखवाएंगे, वो आप थोड़ा याद कर लेना। ये वाली तो आपकी खुद की है। अब इस रिएक्शन का आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन में, जैसे कि मिथेन को एक्टिव करना है, हमने आपको बताया था हैलोजन, ऐसे इसी प्रकार बेंजीन को एक्टिव करना है तो उसमें हैलोजन जोड़ना पड़ता है, तो ये वाली रिएक्शन बढ़िया आपकी। या रैस्टिक प्रोसेस का अपना लो, उससे भी एक्टिव कर सकते हो। हाँ एक निवेदन करना था। हाँ बोलो। आज सर सात बजे तो हो ही नहीं आज बिस ना। हाँ। आज कोई स्पेशल है? मुझे बस मुझे इसे बस चले जाओ, दो मिनट है। हाँ चले जाओ, तो आप जब निवेदन कर रहे हैं तो अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? निवेदन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? कल समझा देंगे तुम्हारा, ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल। ओके ओके, नमस्ते। तो आराम से, आराम से बाहर देखिए। विजेता हो गई सब याद, जितनी आज पढ़ी नहीं हुई हो गई, चलो सब बोर्ड पे जाके लगाओ। आ जाओ विजेता, एक बार रिवाइज करा दूँ सबकी। ओके एक बार आप कर लो फिर बता देना। बच्चों इंडेक्शन में कोई दिक्कत नहीं? बहस खत्म होने वाली है, बहस थोड़ी सी बची है, दो ठो और में खत्म। लिखिए अगली डालो, इसी का पार्ट है वो, हम अगली बना दे रहे हैं जिसमें आप थोड़ा अलग से आपको केस याद रहे, ठीक है ना। अच्छा इसमें आई डोनेशन तो करा दे, आई डोनेशन तो रहे गैस का, है ना, ऐसे सीधे डायरेक्ट लिख लेना है ना, स्पेशल केस मान के लिख लेना है। देखो बिल्कुल वैसे ही कराना है आई डोनेशन, लेकिन बच्चों इसमें लेविस एसिड की जगह कुछ और डाला जाता है। इसमें लेविस एसिड की रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, किसी को पता है क्यों? एच आई बनना है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ से एच और यहाँ से आई, सारा ये एच कहाँ से आ जाता है बेंजीन के सर के ऊपर, ये हमें पता नहीं चल रहा। अच्छा बैलेंस करने के लिए आता है, कहाँ से? हवा से उड़ के आया कहाँ से? इसी के कारण बैलेंसी के, मतलब इसमें पहले से रहता है तो हम रिएक्शन में इसको शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पक्का ठीक है, आप कह रहे तो मान लीजिए। अच्छा ऐसे तो ऐसे समझा दिया करो, ऐसे 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 कार्बन लगे रहते हैं, तो एक एच से कहाँ हो रहा बैलेंस? अभी तो तीन ही हुए, तीन ना हुए, एक दो तीन, जे डबल बॉन्ड आए तो कहाँ से लगाएं? इतने से कि इतने से लगा दें, तो देखो जी तो तीन ही हैं अभी, कहाँ भाई चार? अच्छा और लगा पूरे चलने पड़े, ओके। अच्छा अब आप आ गया समझ में, पूरा ऐसे समझाना पड़ता है डिटेल में, देखा? तो यहाँ से H और यहाँ से I,
और जे वाला आई अब इसमें लगा दे, जगह खाली हो चलो हैं। लैंग्वेज तो तुम खुद लिख सकते हो, सब में लैंग्वेज है जी ना। ये तो आपका खुद का पर्पस है कि आप कैसे जाना चाहते हो। एक नंबर में आप डायरेक्ट लैंग्वेज, अब कोई लैंग्वेज वो स्पेशल चीज़ नहीं, जो आप कर रहे हो वही करना है आप, है ना। देखिए बच्चों ये जरूर बताना है इसमें हाईलाइट करके, ये तो इसके खासियत है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो उसे कहते हैं जो रिडक्शन करा दे। तो ये रिडक्शन कैसे कराता है, ये टूट जाता है, इसका बॉन्ड बड़ा है। नैन्सी कल तुमने जो नोट्स भेजे हमने उसमें आपका ऑर्डर देखा, वो तो गलत लगा है आपका। पहले HF है, फिर HCl है, फिर HBr है, तो आपने कौन सा वाला ऑर्डर लगाया ये समझाओ हमें। आपने ऑर्डर ऐसे लगा रखा है, ये बॉन्ड सबसे, तो फिर तो ऑर्डर ऐसा लगेगा कि वो ज़्यादा। अगर आपने ऐसा लगाया हो कि स्ट्रॉन्ग कौन है, बॉन्ड किसका छोटा है, तब तो ऑर्डर सही है। लेकिन आप रिड्यूसिंग एजेंट की वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग वाला, पर स्ट्रॉन्ग वाला नहीं ये वाला लगाओ, रिड्यूसिंग एजेंट वाला ये ऑर्डर, ये ऑर्डर सही है। तो HI टूट जाता है और सामने वाले को हाइड्रोजन दे देता है कि लो भैया वापस ले लो अपना हाइड्रोजन। तो इसको ये वापस हाइड्रोजन दे देता है तो फिर से बेंजीन हो, ये फिर से I2, लो सब खत्म, पूरी रिएक्शन डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी 3 दिन की मेहनत बर्बाद, सब मेहनत बर्बाद हो गई। तब हम क्या करेंगे, इस रिड्यूसिंग एजेंट को ही हटा देंगे यहाँ से। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट को हटाने के लिए हमें रिएक्शन में क्या डालने पड़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान है कल डाली थी हमने जब मिथेन की रिएक्शन कराई थी, IO3 डाल दो और HNO3 डाल दो, और बता दो ये हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतने ही में तो सामने वाले को बिल्कुल समझ में आ जाना कि बच्चे को पता है कि यहाँ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कितना इम्पोर्टेंट है। चलो तो हटा दो HI को, हटा दो HYO3 से रिएक्शन करके HI को हटा दो, ये नाम भी लिख लेना, बेंजीन आइडोबेंजीन। नाम जरूर लिखा करो है ना बच्चों, नाम बहुत जरूरी है, आइडोबेंजीन। अब इस HI को हटा दे अपन, जो रिएक्शन में बन गया ना, तो HI तरीका हमने सिखाया था, वाटर निकाल लें अपन को, HI एंड HIO3, तो कितने वाटर निकलेंगे, 3, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 6, एक है यहाँ पर, 5 और चाहिए, 5 HI, तो 5H 1H 6H और तीनों 3 वाटर निकल गए, और 3 क्या निकल गए, I2 जे, ऐसे करके। वैसे तो बच्चों इसमें कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप लोगों ने जगह भी नहीं छोड़ी होगी क्योंकि हमने कहा नहीं था, ध्यान नहीं दिया था, तो कोई बात नहीं, आप इस लैंग्वेज के नीचे लिख देते, थोड़ी सी लैंग्वेज आपके समझने के लिए, ठीक है। आपने लैंग कर ली, रिएक्शन एक नंबर में आए तो ठीक है, आपकी समझने के लिए थोड़ी सी लैंग्वेज, आपने रिएक्शन लिख ली, अब नीचे ऊपर दाएं बाएं जहाँ जगह मिले थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दो। द रिएक्शन, और ये भी याद नहीं करने हैं आप, हमारी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज लिखनी है, द रिएक्शन विथ आयोडीन, द रिएक्शन विथ आयोडीन इज रिवर्सिबल, इज रिवर्सिबल,
ड्यू